हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा पोर मिनिमाइजिंग फेस सीरम, जो कि डर्माको का है। तो जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, ओपन पोर्स तो खैर सभी के होते हैं, लेकिन जिनके एनलार्ज दिखने लगते हैं तो ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। ये सीरम ऑयली स्किन वाले यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर काफ़ी ड्राइनेस सी फील होती है। तो ये ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ ना करें तो बेटर होगा। इसके साथ सीरम के बाद जैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो ये भी डर्माको का ही है, पोर मिनिमाइजिंग डेली फेस मॉइस्चराइज़र। तो जैसे सीरम के बाद आपको ड्राइनेस फील हो रही है, तो उसके बाद आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद डर्माको की जो सनस्क्रीन है, ये भी पोर मिनिमाइजिंग के लिए ही है। तो तीनों ही प्रोडक्ट ये डर्माको के हैं। सनस्क्रीन लगाना हमें बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सन रेज होती हैं वो हमारी स्किन को बहुत हार्म करती हैं, उससे बचने के लिए हमें ये यूज़ करना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो भी आपको सनस्क्रीन जो है यूज़ करनी चाहिए। तो ये तीनों प्रोडक्ट हैं, और जिनके एनलार्ज दिखाई देते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको यूज़ किया तो मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन है, मुझे इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी ड्राइनेस सी फील होती है अपने फेस पर। तो मैं मॉइस्चराइज़र का यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि ये काफ़ी टाइम तक आपके फेस पर ऑयल नहीं आने देता, जैसे कि स्किन काफ़ी ग्रीजी हो जाती है ऑयली स्किन वालों की। तो ये ऑयल को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करता है, और अगर ये ऑयल को एब्जॉर्ब करता है तो जाहिर सी बात है, तो जो आपके जो पोर्स होते हैं वो सिकुड़ने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उतना ऑयल नहीं आएगा। ऑयल आने से ही जो हमारे पोर्स हैं वो एनलार्ज नज़र आते हैं, तो स्किन जो है काफ़ी देर तक ड्राई रहती है, और ड्राई रहती है तो एक्सेस ऑयल भी नहीं आएगा, तो पिंपल एक्ने भी आपके कम हो जाएंगे। तो फिर जो लोग अपने पोर्स के लिए, एनलार्ज पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप ये तीनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।